नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। अगर आपने भी इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरा है और सोच करके बैठे कि आपको एक नौकरी मिलेगी, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप सभी के लिए ही बनाया गया है। वीडियो को पूरा देखकर पूरी जानकारी लेकर के अवश्य जाएं, जिससे कि आपको अपनी एक सीट निकालने में आसानी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सभी का कार्य है। देखने वालों की संख्या हज़ारों में होती है। लाइक करके साथ में शेयर करके और भी छात्रों तक जानकारी को अवश्य पहुँचा दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर टोटल तदर्थ शिक्षकों की संख्या कितनी है, यहां पे तदर्थ शिक्षकों ने कितनों ने आवेदन किया है, इसके अलावा बीएड अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीटें मिलेंगी, साथ में खुशखबरी को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि लगातार भ्रष्टाचार को लेकर, सरकार की गलत नीतियों को लेकर, छात्रों के हितों की आवाज़ को लेकर ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से आपकी जो आवाज़ है वो उठाई जाती है। भ्रष्टाचार को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान हो रहे थे, और जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि कहीं तदर्थ शिक्षक इस भर्ती के अंदर घोटाला करके अपनी एक सीट को ना ले जाएं, जिससे कि मेहनत करने वाला अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर ना हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो आवाज़ है वो ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से उठाई जा रही है, और जब तक परीक्षा पूरे सही तरीके से नहीं होगी, लगातार आप सभी का साथ भी दिया जाएगा। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें आप सभी को जाननी बहुत आवश्यक हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना। अगर आप सभी को याद होगा तो तदर्थ शिक्षकों का मामला मैनेजर की तरफ से यहाँ पे उनकी नियुक्तियाँ की गई थी। इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो अलग अलग आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, लेकिन लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 34,000 के आसपास तदर्थ शिक्षक हैं। मैं आप सभी को बता दूं, जो लोग नहीं जानते कि तदर्थ शिक्षक क्या होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने शिक्षा मित्रों को देखा होगा, लगभग कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्तियाँ की गई थी वो देखने के लिए मिली थी मैनेजर की तरफ से। तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों को बना दिया था, इस पर मैंने कल भी आपको बताया। ये मेरा वीडियो 27 अगस्त 2020 का है, लगभग 1.5 साल पुराना है, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तदर्थ शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। लगभग 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ आदेश दिया गया था कि तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्तियां की गई थी वो असंवैधानिक थी। उन सभी नियुक्तियों को रद्द करते हुए उनके खाली पदों पर जो भर्ती है वो करवाई जाए, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बड़े शब्दों में लिख करके बताया भी था। जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि लगभग 34,000 भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तदर्थ शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ दे दी थी कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, एक बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आप सभी को देखने के लिए मिला था, उसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि तदर्थ शिक्षकों के जितने भी पद होंगे उन पर जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। साथ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे कुछ वेटेज देने की भी बात की गई थी, जिसको लेकर आप सभी को पता है कि चयन बोर्ड की तरफ से संशोधित विज्ञापन जारी करके आप सभी को जानकारी पहले ही दे दी गई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 34,000 के आसपास तदर्थ शिक्षकों की संख्या है। तो यहाँ से एक सवाल तो क्लियर हो जाता है कि टोटल अगर हम देखें 34,000 के समथिंग आपको तदर्थ शिक्षकों की संख्या उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। अब सवाल आता है कि इस परीक्षा के अंदर कितने तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसकी जानकारी चयन बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन कई बार सचिव से जब मुलाकात करने का प्रयास किया गया तो उनका कहना था कि लगभग अगर हम देखें 9,000 से लेकर 12,000 के बीच में इनकी संख्या देखने के लिए मिलती है। अभी आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, हालाँकि वो चाहें तो फॉर्म के अनुसार यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। आपके मन में भी सवाल होगा कि सर, जो 34,000 जो तदर्थ शिक्षक देखने के लिए मिल रहे हैं, आखिर इतनी संख्या 9-8 पे क्यों रह गई है। इसका मामला ये भी है कि अगर वो एक बार इस भर्ती के अंदर आवेदन कर देते हैं तो उनका जो वेतन है वो रोक दिया जाएगा, और उसके बाद में अगर वो चयनित होंगे तभी उनको यहाँ पे नियुक्ति मिलेगी, अदरवाइज उनकी जो नियुक्तियाँ हैं वो रद्द हो जाएंगी। बहुत सारे तदर्थ शिक्षकों ने इसलिए भी आवेदन नहीं किया है, वे चाहते हैं कि ये भर्ती 2022 तक पूरी ना हो, उसके बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बीच में मामला लटका रहेगा, फिर कैसे भी ना कैसे करके सेटिंग करके इस भर्ती को लटकाने का प्रयास किया जाएगा। इन शॉर्ट समझने का हम प्रयास करें तो 34,000 तदर्थ शिक्षकों में से लगभग 9 से 10,000 तदर्थ शिक्षकों ने इस भर्ती के अंदर आवेदन किया है। संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं बताया है।
लेकिन फिर भी हम मानकर के चलते हैं कि संख्या लगभग 12,000 अगर तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन कर दिया होगा, तो यहाँ पे सीटों की संख्या की अगर बात करें टीजीटी के अंदर, तो वो भी आपको लगभग 12,000 की समथिंग ही देखने के लिए मिलती है, क्योंकि 12,000 तदर्थ शिक्षक हैं तो 12,000 ही सीटें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ से खड़ा हुआ था कि जब जनपद स्तर पर परीक्षा कराए जाने का फैसला लिया गया, तो छात्रों के मन में ये सवाल था कि अगर जनपद स्तर पर परीक्षा करवाई जाएगी, तदर्थ शिक्षक घोटाला करेंगे, तो जितनी सीटें वो सारी की सारी यहाँ तदर्थ शिक्षक ले जा सकते हैं। तो जो बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन क्यों लिए गए, क्या सरकार ये चाहती थी या फिर सरकार की मंशा कुछ और भी है, तो इसको लेकर तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में आपको एक जानकारी और दे दें कि जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर हम देखें तो तदर्थ शिक्षकों के पद भी इस भर्ती के अंदर जोड़े जाएंगे जितने इसमें आवेदन करते हैं। तो ऐसे में अगर हम समझें, लगभग 15,000 पदों का विज्ञापन पहले जारी हुआ था और 10,000 के समथिंग आपको और तदर्थ शिक्षक देखने के लिए मिले होंगे जिन्होंने इस भर्ती में आवेदन किया है, तो उनको इसके अंदर जोड़ दिया जाए तो पदों की संख्या लगभग आप सभी के बीच में 25,000 देखने के लिए मिलेगी। तो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए भी लगभग 10 से 12,000 सीटें इसके अंदर मिल ही जाएंगी, चाहे सभी तदर्थ शिक्षक चयनित हो जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी तदर्थ शिक्षक चयनित हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास भी मौका है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि अगर आप अपना चयन करना चाहते हैं, एक सीट पाना चाहते हैं, तो आई बटन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको आप लोग अवश्य देखें कि आप कैसे तदर्थ शिक्षकों से ज़्यादा नंबर लाकर भी इस भर्ती में अपनी एक सीट बना सकते हैं। घोटाले नकल को लेकर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को समझने का प्रयास करें कि आपके पास कितनी सीटें आ सकती हैं। तो टोटल ये भर्ती जो आपको देखने के लिए मिलेगी तदर्थ शिक्षकों को जोड़कर लगभग 25,000 के समथिंग रहने वाली है, क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। हालांकि अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, जब तक ऑफिशियल सीटों की संख्या ना आ जाए तदर्थ शिक्षकों के बारे में या उनकी संख्या ना आ जाए, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो बीएड अभ्यर्थी हैं, आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप इस भर्ती से पूरे तरीके से बाहर हो जाएंगे। अगर तदर्थ शिक्षकों की सीटें इसके अंदर जुड़ जाएंगी, जो कि उम्मीदें हैं जुड़ेंगी आगामी समय के अंदर, तो ये भर्ती लगभग 25,000 रुपये होगी, तो वहाँ पे आप सभी का चयन होने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। इसी वजह से जितने भी अभ्यर्थी हैं तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर अपनी प्रिपरेशन को लगातार बूस्ट करते रहें। कितने अंक आप सभी को लाने, इसके बारे में जानकारी तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से दे ही दी है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी हैं कि लगभग 10 से 11,000 के आसपास तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है। अगर परीक्षा पूरे तरीके से सही तरीके से बिना भ्रष्टाचार के बिना नकल के अगर सब कुछ सही रहा, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो चयनित होंगे वो बीएड अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के ऊपर उनको अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस भर्ती में क्वालिफाई भी हो जाएंगे। वो कहीं ना कहीं इस भर्ती में भ्रष्टाचार के तौर पर ही जुड़े हुए हैं। उम्मीदें ऐसी हैं कि लगातार हम इसको लेकर विरोध करते रहेंगे, जिससे कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार ना हो पाए। लगातार जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चयन बोर्ड के ऊपर जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं कि इस भर्ती के अंदर जो उनका फैसला है कि जनपद स्तर पर परीक्षा करवा के उसको बदलकर मंडल स्तर पर होनी चाहिए, जिसको लेकर मैंने जानकारी आप सभी को पहले भी दी है, कई छात्र संगठनों के माध्यम से इसका विरोध भी किया जा रहा है। तो ऐसे में अपना जो टारगेट है वो आप फिक्स करके रखें, डीमोटिवेट इतना ना हो जाए कि आपको भर्ती के अंदर नुकसान हो। इस भर्ती में आपको एक सीट अवश्य लेनी है। कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मन है कि इस भर्ती में इस बार उनका सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि सबका होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो लगभग यहाँ पे सीटों की संख्या के बारे में आपको बता दिया गया है कि 34,000 तदर्थ शिक्षक तो हैं, लेकिन आवेदन करने वालों की संख्या 10,000 के आसपास ही है। इसके अलावा अगर इनके 10,000 पदों को जोड़ दिया जाए तो 15,000 पहले से भर्ती निकली है, टोटल 25,000 आप सभी के बीच होगी, जिसमें आप लोग बड़ी आसानी से चयनित भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल जो होगा वो पारदर्शिता का होगा, उसको लेकर लगातार प्रयास भी जारी है। तो आप लोग भी अपनी मेहनत करते रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और भी छात्रों के साथ में शेयर कर दें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहें। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।